लता मंगेशकर जी को गाने में शुरू से ही सुनती थी और साथ ही मेरे फादर भी सिंगिंग करते हैं, तो उनको देख के भी मुझे शौक हुआ, तो मैं इसी तरीके से फिर गाने की तरफ आई उनको देख के। आगे जाके मैं अपनी सिंगिंग को भी प्रोफेशनली कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और साथ ही मैं CSS भी करना चाहती हूँ। लता मंगेशकर जी को 7-8 साल की उम्र से ही सुनती हूँ, और सिर्फ लता मंगेशकर जी को नहीं सुनती, बहुत सारे उनकी सिस्टर हैं आशा भोसले जी, उनको भी मैं सुनती हूँ, साथ ही श्रेया घोषाल जी हैं उनको मैं सुनती हूँ, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में हमारे पास हमारी लेजेंडरी सिंगर मैडम नूर जहाँ, उनकी वॉइस मुझे बहुत पसंद है, और मेल सिंगर्स में मैं मेहंदी हसन साहब को सुनना पसंद करती हूँ। लता मंगेशकर जी की डेथ का तो मैं उनको सुनती थी शुरू से, उनके सॉन्ग्स को पसंद करती थी, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि जिन लता जी को हम सुनते हैं वो आज हमारे दरमियान अब मौजूद नहीं रहीं, लेकिन वो अपने सॉन्ग्स के ज़रिए हमारे जैसे अब अपकमिंग जो सिंगर्स हैं उनके लिए एक असासा छोड़ गई हैं कि हम उनको सुन के अब अपनी सिंगिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। रिलेटिव्स की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ख़ासतौर पे मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मदर सपोर्ट करती हैं। मैं स्कूल से आने के बाद अपना 1 घंटा कम से कम या 1.5 घंटा रियाज़ का रखती हूँ, देन उसके बाद रियाज़ में मेरा सब कुछ आ जाता है, वोकल्स का रियाज़ हो जाता है और जो है वो बाकी सारी चीज़ों का भी जैसे होता है, तो वो मेरे फादर ही अभी मुझे फ़िलहाल सिखाते हैं। सीखने का अमल तो ख़त्म होता नहीं है, तो मेरा फ्यूचर है कि फ्यूचर में प्लान है कि मैं किसी प्रॉपर उस्ताद से सीखूँ। लता मंगेशकर जी के फैंस के लिए बस मेरा ये पैगाम है कि उनके गानों को सुनें, अगर आपको सिंगिंग का शौक़ है गाना सुनने के साथ साथ, तो अपनी सिंगिंग को उनके जैसा करने की कोशिश करें जैसे वो अपने सुर लगाती हैं, और जो मतलब उनकी सिंगिंग का जो स्टाइल है, स्टाइल तो खैर उनका जैसा है नहीं किसी का, लेकिन उनके जैसा हम जो है वो गाने की कोशिश कर सकते हैं। लता मंगेशकर जी क्योंकि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहीं और उनके जो सॉन्ग्स हैं वो अब हमारे जैसे अपकमिंग सिंगर्स के लिए जो हैं वो असासा हैं, तो जो लता मंगेशकर जी को सुनना पसंद करते हैं अब, क्योंकि देखें लता मंगेशकर जी जैसा तो अब कोई ना दुनिया में आएगा, और जाहिर सी बात है ना मैंने उनको कभी देखा लाइव ना कभी लाइव सुना, हाँ लेकिन मैंने जो उनको टीवी वगैरह पे सुना, तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे उनकी वॉइस बहुत पसंद है, और जो अब नए अपकमिंग सिंगर्स हैं वो भी उनके जो सॉन्ग्स हैं उनकी जो गायकी है उसके ज़रिए अपने सॉन्ग्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।